गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर जीत तुम्हारी पक्की होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता। इसे ख़त्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में तीन चीज़ें कभी भी छुपा कर नहीं रखी जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुद्ध के अनमोल विचार जो आपको बुरे समय में राहत देंगे। जो समय बीत गया है उसके बारे में सोच कर परेशान मत हों। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्यकाल भी। अच्छे हो या बुरा, कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा फल भी मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो आपके भी रास्ते में रोशनी हो जाती है। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहाँ तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्म की महक सर्वत्र फैलती है। सर्वप्रथम इंसान का अपना स्वास्थ्य है जो उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी होता है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है और तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपका कितना ही नुकसान करें लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपका नुकसान आपको अपने नकारात्मक विचार ही पहुंचाते हैं। नफ़रत से सिर्फ नफ़रत फैलती है। नफ़रत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यही परम सत्य है। पानी की कोई भी कस कर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए, वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इस प्रकार जब परिस्थिति आपके विपरीत ना हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। यदि ज़मीन उपजाऊ है तो खाद भी अच्छी डाली गई है, परंतु पानी खा रहा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा होगा, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने अब तक तो सोचा है उसी का परिणाम है, यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करते हैं जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के गोर का पीछा करते हैं। जैसे लगे गौतम बुद्ध की ये मोटिवेशन विचार आपको। थैंक यू। अगर